अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, यहाँ नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आज उड़द की दाल, इसे माश की दाल भी कहा जाता है, और ये क्विकली बन जाती है इसलिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ इसे। मैंने इसे आधा घंटे के लिए बॉईल कर लिया था, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटे मिर्च डाल के। अब यहाँ पर मुझे चाहिए मीडियम साइज्ड प्याज, जिसको मैंने कर लिया है स्लाइस, और उसके साथ ही मैं थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ, 4 हरी मिर्च ले ली थी मैंने, थोड़ा सा धनिया, 1 लीमू, और इसके अलावा ज़ीरा और ड्राइड लाल मिर्च होती है जो, वो ले ली थी 3, और 1 हरी मिर्च साबुत भी ली थी बघार के लिए। तो जी, बघार के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल ले लें, उसे अच्छे से गर्म कर लें, ज़ीरा डाल दें और फिर प्याज डाल दें। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए तो उसमें हरी मिर्च 1 साबुत और 3 ड्राइड वाली लाल मिर्च डाल दें। तो जी, बघार बस हो गया है तो अब इसको हम दाल में डाल देंगे डायरेक्टली। तो जी, आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, शाल की बिल्कुल भूतों जैसी आवाज़ें निकाल रही है ये। तो जी, बस बघार डाल देंगे, फिर इसमें जो हमने धनिया करा था चॉप वो डालना है, हरी मिर्चें डालनी है और लीमू डालना है। बीज हम उसी टाइम अलग कर लेंगे, इसमें ना डालें तो बेहतर है क्योंकि बिल्कुल उसी कलर का होता है वो, तो मुँह में आएगा फजूल में। तो जी, दाल हो गई थी रेडी, नाश्ता भी कर लिया था, और नाश्ते के फौरन बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा घर का सामान लेना था। असल में सिर्फ दूध लेना था, लेकिन फिर जाते हैं तो 1000 चीज़ें दिख जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये चाय का दूध भी ले लिया था, ये भी ख़त्म हो रहा था। उसके साथ ही मैंने ये अलमराई की फ्रेश क्रीम ली थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, इससे पहले मैं वही लाती थी जो आती है नॉर्मल लॉन्ग लाइफ वाली, जैसे लॉन्ग लाइफ मिल्क है इसी टाइप में। तो जी, ये डव के शैम्पू ले लिए थे, अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, और ये नए आए हैं हार्ड वाटर डिफेंस वाले, हमने सोचा चेक करते हैं ये भी। तो जी, साथ में ये कंडेंस मिल्क ले लिया था मैंने, लड्डू वगैरह बनाने हैं इसलिए, और उसके साथ ही मैंने नगेट्स भी ले लिए थे शाल के लिए, लेकिन शाल खाती नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो रबर बैंड आपको दिख रहा है, ये मैं अपने कैबिनेट्स के लिए रखती हूँ, क्योंकि शाल जब भी आती है वो सारे कैबिनेट्स खोलती है और सारा सामान बाहर होता है, इसलिए इससे खुल नहीं पाता इस तरह। तो जी, साथ में मैंने थोड़े से नट्स ले लिए थे, आलमंड, वॉलनट, और थोड़ी खजूर ले ली थी, कैश्यू, पिस्तैश्यू ले लिए थे, ये सब वो लड्डू बनाने के लिए लिए हम, क्योंकि अलग से खाने में आते नहीं अक्सर, तो इसलिए लड्डू बना लेंगे तो शायद टाइमली हम खा भी लें सारी चीज़ें। सब्ज़ी में बस मूली ले ली थी और वही रोज़ वाली सब्ज़ी, धनिया, प्याज, मिर्ची, टमाटर, कैप्सिकम, ये वाली तो घर पर रखनी ही पड़ती है हर वक्त। साथ में ये ले लिए थे हमने ऑरेंजेस, ये साउथ अफ्रीका के थे, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये एक डोरिटोज़ का न्यू फ्लेवर मैंने ट्राई करना था, बहुत ही अलग सा था, बस ग्रीन चिली का टेस्ट था और बड़ा मज़ा आ रहा था बस। तो जी, थोड़ा सा लैमिनेट बना लेते हैं अब, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, और तो दिमाग थोड़ा ठंडा कर लेते हैं सबका। हमने समोसे ले लिए थे वापसी में, क्योंकि हमें हल्की हल्की सी भूख लग गई थी और सोचा था घर जाते ही तो खाना बनाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा समोसे ले लिए थे और लेमनेट भी लिया था। ये समोसे हमने लूलू से ही लिए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे पंजाबी समोसे मिलते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बिल्कुल। तो जी, अब मैं आ गई थी किचन में, मैंने बनानी है झटपट वाली चिकन बिरयानी। तो जी, मैंने ले लिए हैं 2 प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, और मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है ज़ीरे के साथ कूट लिया है। तो जी, साथ इशाल भी हैं आज किचन में, तो इन्हें थोड़ा पटाना पड़ेगा, तो आइसक्रीम रखी है मैंने इसके साथ, तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसे खिलाती रहूँगी और पटाती रहूँगी। तो जी, प्याज फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और इस बार पता नहीं कैसे बहुत अच्छे प्याज फ्राई हो गए थे मुझसे, बहुत क्रिस्पी रहे थे काफ़ी।
जी बस प्याज निकाल लेंगे और फिर उसमें मैं सिर्फ एक पत्ता डाल रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं बिरयानी मसाला डालूंगी। तो जी मैंने दो लहसुन या एक लहसुन को कूट लिया था जीरे के साथ और वो डाल दिया था। बाकी मैं पेस्ट डालूंगी, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश खुशबू आए इसलिए मैंने लहसुन डाल दिया है। बाकी मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ, मदर रेसिपी, बिल्कुल बकवास, कभी मत खरीदें। बिल्कुल ऐसा सड़ा हुआ टेस्ट होता है ना, एक बार मैंने घर में बनाया था वो सड़ गया था, तो बिल्कुल वही खुशबू आ रही है इसमें से, तो मत लें कभी भी। तो जी बस अपनी चिकन ऐड कर देंगे, मैंने चिकन के साथ ही आलू डाल दिए थे, पता नहीं लोग डालते हैं नहीं डालते हैं, थोड़ी देर बाद डालते हैं अलग से पका के डालते हैं, मैंने तो बस सब कुछ झटपट डाल दिया था। और टमाटर डाल दिए थे तीन, तकरीबन 6 मिर्ची का पेस्ट बना लिया था मैंने, वो भी डाल दिया था साथ ही, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था। बस मिक्स कर लें अच्छे से इसको, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून जैसी लाल मिर्च, थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी बनाने का सोचा है आज। तो जी मैंने बड़े बड़े टमाटर इसलिए डाले थे ताकि छिलके अलग हो जाएं, तो मैंने छिलके अलग कर दिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना जो होता है वो डाल रही हूँ, और फिर मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था, झटपट उसे भून लिया था, राइस डाले थे और बस हो गए रेडी। तो बड़ी क्विक थी ये बिरयानी, बिरयानी पुलाव जो भी कहें, बहुत ही क्विक थी और बहुत ही टेस्टी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाल की मील, मैंने थोड़ी सी खिचड़ी दी थी और थोड़ा सा बिल्कुल फीका फीका सा रायता दे दिया था, और एक कबाब तल दिया था, दो एप्पल दे दिए थे। इसमें से सिर्फ इसने एप्पल खाया, ज़रा सा कबाब चख लिया, खिचड़ी को तो चखा तक नहीं। तो जी ये सामान मैं लाई थी 2-3 दिन पहले रेड स्टार से। तो जी ये बेक ट्रे थी, बेकिंग बॉल कह लें या जो भी कह लें। उसके अलावा मैं एक नेक पिलो लाई थी अपने हस्बैंड के लिए, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ले नहीं रहे थे। तो ये छोटी सी बॉटल ले ली थी मैंने ऑयल के लिए, मैंने सोचा एयर फ्रायर में काम आएगा, लेकिन जब मैंने इसे बाद में घर पे आके देखा तो ये यूज़लेस निकली। मैं समझी थी ये ब्रश है ऊपर, लेकिन ये तो होल्स हैं इसमें तो गड़बड़ है। तो जी एक ये ले ली थी बॉटल सॉस वगैरह के लिए, अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई टॉपिंग के लिए, या मैं कोई सी भी सॉस बनाती हूँ किसी चीज़ के ऊपर, मतलब थोड़ा डेकोरेट करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए मैंने फ़ौरन ले ली। इसके अलावा मैंने ये हैप्पी बर्थडे का ले लिया था इशाल के लिए, कि अगर कभी घर में मनाई इसकी बर्थडे या कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन करना होता है कभी कभी, तो बहुत सस्ता मिल रहा था ये, तो मैंने एक एक्स्ट्रा में ही ले लिया। ये मतलब इतनी नीड थी नहीं, लेकिन एवं ही ले लिया। और इसके अलावा मैंने ये स्ट्रॉज ली थी कलरफुल सी, तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसी चीज़ें ना, छोटी मोटी, थोड़ा डेकोरेट करके दूँ इन लोगों को, कुछ नया नया चीज़ें बना के दूँ, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। और इशाल को बड़ी पसंद आई है ये अक्सर खेलती रहती है इससे निकाल निकाल के। और ये एक्लेयर्स ले ली थी हमने, ये अच्छी निकल गई, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी थी ये। इससे पहले मैंने कैडबरी की खाई है, ये वाली कंपनी की मैंने कभी नहीं खाई। खैर तो जी ये था वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली थी, कि मैंने अमेज़ॉन पे ये अभी सेल कर रही हूँ मैं, और काफ़ी सारे मतलब जो यूनिट्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं। तो जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, लेकिन अभी ये वीडियो में जैसे इसका कलर सही नहीं आ पा रहा, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे हाथ का कलर ही अलग आ रहा है। तो जो फ़ोटो है इसमें थोड़ा सा आपको कलर समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा कलर है और बहुत ही क्यूट से हैं ये। आप मतलब मेकअप कर रहे हो, क्लेंजिंग कर रहे हो, या फेस वॉश करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा क्यूट सा तरीका है ये। और जो है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसको इशाल ने अच्छे से खींच तान दिया है वाइट वाले को, और पिंक वाला मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार पहना और लूज़ हो जाता है जैसे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैंने बहुत अच्छा डिस्काउंट, सबसे लोएस्ट प्राइस मेरी है अमेज़ॉन पे, आप चेक करें इसको अच्छे से, और अगर पसंद आए तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो जी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।